हेलो साथियों, मैं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और अपने चैनल नमस्ते आईटीआई पे। एक मैसेज आ रहा था मेरे पास, कुछ दो तीन बच्चों का आया है जो कि मैकेनिकल ट्रेड से हैं, डिप्लोमा है, और एक बच्चा जो था वो दोस्त ही है हमारा, वो बीटेक है मैकेनिकल से। उसने पूछा कि सर, हमने हीट इंजन ट्रेड सेलेक्ट किया है, क्या किया है हीट इंजन। अब हीट इंजन में हमको क्या पढ़ना है, क्या मैं आईसी इंजन कवर कर लूं, तो ये बहुत बड़ा सवाल था। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं डिटेल सिलेबस दिखाने वाला हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि डीजीटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कि आपको शायद मुश्किल से ही मिले। और कहां से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज हैं, वो मैं सारा कुछ बताऊंगा। एक्चुअली में बात यह है कि जो हम लोग मैकेनिकल में आईसी इंजन पढ़ते हैं उससे डिफर है, उससे अलग है, उससे डिटेल में छोटे छोटे डाटा पूछे जाते हैं। तो बस सिलेबस को ही पकड़ के पढ़ें, अपना पूरा फोकस आप लोग दें किस पे, CBT 1 और CBT 2 के पार्ट ए में। ट्रेड को सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो जो चीज़ें सिलेक्टिव हों सिर्फ वही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो आप देख रहे हैं, ट्रेड ग्रुप ऑफ हीट इंजन यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सिलेबस जो है वो निर्धारित किया जा रहा है किसके द्वारा, नेशनल स्किल, यहाँ पे आप देख रहे हैं नेशनल स्किल ट्रेनर्स इंस्टीट्यूट, है ना, नेशनल स्किल ट्रेनर्स इंस्टीट्यूट जोधपुर के द्वारा ये बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील लगी हुई है इसमें। तो ये सिलेबस हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे सेक्रेटरीज का हो गया, है ना, इन्वेटीज का हो गया, ये सारे जिन लोगों ने मिल करके इस सिलेबस को निर्धारित किया है, ये पूरी डिटेल है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, देखिएगा यहाँ पे ब्रीफ कोर्स कंटेंट दिया हुआ है। तो इधर प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। इधर प्रैक्टिकल का पोर्शन है, इधर जो है आपका किसका पोर्शन है, ट्रेड थ्योरी का पोर्शन है। तो ये वाला सारा करना है। अभी मैं डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है। अगर कुछ लोग किताब के लिए भी पूछेंगे हीट इंजन की, तो मैं उनको ये ज़रा सा भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि मैकेनिकल ग्रुप की जो भी मार्केट में किताब छप रही है, क्योंकि किताब बेचने वाले हैं कुछ भी बेच देंगे, तो वो ना लें आप लोग। तो उसके विकल्प में क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इससे पहले जो लोग चैनल पर हमारे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ चाहें तो आप लोग हीट इंजन का कोर्स हमारा स्टार्ट है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, फिट आईटीआई नाम से हमारा ऐप है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें हम आपको वीडियो क्लासेस देंगे। अब ये कोर्स ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी तो किताब भी है आपके लिए, लेकिन नहीं, कोर्स इसलिए ज़रूरी है कि शाम को कड़वी गोली के जैसे कैप्सूल आप खाते हैं वैसा 1 घंटे आपको हमारा लेक्चर देखना है, अभी से देखना है, लेट नहीं करना है। क्योंकि 1 महीने भी अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 महीने लास्ट में हीट इंजन पढ़ लूंगा अपना ट्रेड पार्ट भी, तो मुश्किल क्रिएट करेगा आपके लिए, और बहुत सारे बीटेक के बच्चे भी, डिप्लोमा के बच्चे भी फेल होते हैं हीट इंजन में, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आईसी इंजन वाला पार्ट हमको पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं है। इसमें हम आपको क्लास नोट्स देंगे, साथ में हम मॉक टेस्ट देंगे आपको प्रैक्टिस, और साथ में PYQ भी प्रोवाइड कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछली बार क्वेश्चन हुआ था, जितने भी पेपर हुए थे वो सारे हम आपको अवेलेबल करा देंगे। इसकी फीस अभी 599 रुपये है, लेकिन आप लोग RLY10 ये कूपन कोड लगाओगे तो इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कॉन्टैक्ट नंबर अभी मैं लास्ट में दे दूंगा, वहां से आप हमको कॉन्टैक्ट कर लेना। अब आते हैं हम लोग भाई अपने सिलेबस पे। सिलेबस हमारा क्या कह रहा है देखिएगा। सबसे पहले तो आपको जनरल चीज़ें पढ़नी है जो आपने बीटेक में शायद ही पढ़ा होगा, वो आईटीआई की हर एक ट्रेड में होता है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस, यानी कि सुरक्षा एवं सावधानियों का चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, वो हमने डिटेल में कराया हुआ है, वो आप हमारे कोर्सेज से जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद लीनियर मेजरमेंट, मेजरमेंट के अलग अलग टाइप आपको पढ़ने हैं, चाहे वो लीनियर मेजरमेंट हो, चाहे वो एंगुलर मेजरमेंट हो, चाहे वो आपका रेडियल मेजरमेंट हो, चाहे वो आपका फ्लैट मेजरमेंट हो, सारे प्रकार के मेजरमेंट और उनमें आने वाली जो छोटी छोटी डिवाइसें हैं, उनको मापने वाले डिवाइसें हैं, उनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि किस मटेरियल का बना है, इसमें लगे इस पार्ट का नाम क्या है, कौन कौन सा पार्ट होता है, ये सारी चीज़ें, लिस्ट काउंट वगैरह सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद फिर क्या है, स्क्राइबिंग विद द हेल्प ऑफ स्टील रूल, है ना। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइडर्स, कैलिपर्स इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी कि कैलिपर जो होते हैं उनको भी पढ़ना है आपको, रूल्स वगैरह पढ़ना है, और उनके निर्माण के बारे में भी पढ़ना है कि हमने बताया आपके कौन कौन से मटेरियल का बना होता है ना। उसके बाद क्या है, हर्मोफ्राइट कैलिपर, कैलिपर एक हर्मोफ्राइट
या जैनी कैलिपर, ठीक है यहां पढ़ाते नहीं हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हर्मोफ्राइड कैलिपर, देयर यूज एंड केयर, उनका यूज क्या है और उनका मेंटेनेंस, उनका रख रखाव कैसे किया जा सकता है। उसके बाद पंच के बारे में, अब सेंटर पंच दिया है तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सेंटर पंच ही पढ़ के जाएं, सेंटर पंच भी पढ़ें, डॉट पंच भी पढ़ें और प्रिक पंच भी पढ़ें, उसका एंगल क्या है, कहाँ का यूज किया जाता है, क्या क्या उसके बॉडी पार्ट्स हैं, ये सब आपको करना पड़ेगा। और ये सब कौन कराएगा, तो ये सब कराऊंगा मैं, है ना। चलिए उसके बाद आप फिर से देखेंगे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हैमर्स आपको करने हैं और उनके टाइप्स और उनको यूज के बारे में, अलग अलग हैमर उनका क्या काम है, किस धातु का हैमर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको कहाँ प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक क्या जाता है, हेक्सा, हेक्सा फ्रेम, है ना, और बाद में हेक्सा की ब्लेड भी आपको पढ़नी है ना, और उनका कंस्ट्रक्शन, उसका निर्माण भी पढ़ना है ना, उसका डिस्क्रिप्शन डिटेल पढ़ना है और उसका यूज पढ़ना है और उसका केयर पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको सरफेस गेज पढ़ना है, वी ब्लॉक पढ़ना है, मार्किंग ऑफ टेबल पढ़ना है ना, फिर बाद में आपको इंजीनियर्स स्क्वायर पढ़ना है, फिर आपको बेंच वाइज पढ़ना है और वाइस क्लैंप पढ़ना है। ये सारा चीज़ें मैंने करवा दिया है, एप्लीकेशन पर क्लास स्टार्ट हो गई है, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। मात्र एक क्लास अभी से टाइम देंगे तो आपको पार्ट बी में निश्चिंत होकर के बस अपना पार्ट ए पूरा दिन पूरी रात पढ़िए, सोते समय एक घंटे कैप्सूल के जैसे आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है आपका, चीजल पढ़ना है, टाइप्स एंड यूज पढ़ना है, फाइल्स पढ़ना है, उनके ग्रेड पढ़ना है, उनके कट पढ़ना है ना, उनके सेक्शन पढ़ना है, उसके बाद उनको केयर कैसे करना है, उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स पढ़ना है, फाइल पढ़ना है ना, अलग अलग प्रकार की फाइलों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पढ़ेंगे सेफ्टी के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज, उनको कैसे बचाया जाए, एक्यूरेट रीडिंग कैसे उनका निकाला जाए, मेथड ऑफ फिक्सिंग फाइल हैंडल, फाइल हैंडल को कैसे फिक्स किया जाता है, उसके अलग अलग मेथड को पढ़ना है आपको, एंगल प्लेट आपको पढ़ना है, पैरेलल ब्लॉक पढ़ना है और उनके यूज पढ़ना है, और मार्किंग आउट भी पढ़ना है आपको। ये डिटेल, ये लगभग सभी चैप्टर्स के जो है वो सभी एग्जाम में जो है आपके हीट इंजन से पूछे जाते हैं। सरफेस प्लेट कंस्ट्रक्शन एंड सी क्लैंप, अब आपने वाइस तो पढ़ा, वाइस के साथ साथ आपको क्लैंप भी पढ़ना पड़ेगा और क्लैंप में सी क्लैंप का डिटेल आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको वर्नियर कैलिपर पढ़ना है, वर्नियर हाइट गेज पढ़ना है, उनका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, प्रिंसिपल लीस्ट काउंट एंड केयर एंड मेंटेनेंस, किसका, वर्नियर कैलिपर का मेरे दोस्त। उसके बाद आपको ड्रिल पढ़ना है, ड्रिलिंग एंड ड्रिल इट्स टर्म्स, उनमें अलग अलग टर्म्स जो यूज किए जाते हैं वो पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, एज पर शैंक, शैंक के आधार पर अलग अलग टाइप पढ़ना है, फ्लूट्स के आधार पर अलग अलग टाइप पढ़ना है, सिस्टम के आधार पर, साइज के आधार पर, ड्रिल एंगल एंड देयर इंपॉर्टेंस, और उनकी क्या महत्व है इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर है। उसके बाद कौन कौन से कूलेंट यूज करना है ड्रिलिंग करते समय, उन कूलेंट्स के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कुल मिला के आपको ड्रिल के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब आपने ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि आपने हीट इंजन ले लिया तो आपका प्रोडक्शन से पीछा छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो प्रोडक्शन का जो पार्ट आपको कवर करना है वो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, कटिंग है ना, फीड फॉर डिफरेंट ड्रिलिंग मशीन, कुल मिला के पूरा ड्रिल मशीन का ही जो है वो आप पार्ट आप देख रहे हैं। फिर यहां पे आप देखेंगे प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड एंड देयर यूज, मार्किंग आउट, चेकिंग एंड सेटिंग जॉब, टैप्स, साइज ऑफ टैप, टैपिंग करते हैं हम लोग ना इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, उसके बारे में पढ़ना है ना। उसके बाद ब्लाइंड होल रीजन फॉर ब्रोकन टैप्स, अगर टैप्स टूट जाता है तो उसका रीजन क्या है, डाइस, फिर डाई के बारे में आपको पढ़ना है, टाइप्स कॉमनली यूज्ड है ना, सॉलिड एंड स्प्लिट, अलग अलग प्रकार की डाइज होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ सॉलिड और स्प्लिट है तो तीसरा भी आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ स्टॉक्स एंड हैंडल्स, उसके बाद मेथड ऑफ थ्रेडिंग विद स्टॉक एंड डाई, अब थ्रेडिंग यानी कि चूड़ी काटने का तरीका स्टॉक और डाई के द्वारा जो काटा जाता है उसके बारे में पढ़ना है, थ्रेडिंग है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, सेटिंग द थ्रेडिंग डाई, उसके बाद माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर पढ़ना पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर वी थ्रेड का यूज उसमें क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा, थ्रेड गेज इनसाइड माइक्रोमीटर में पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ गेज देयर
कंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा, और ये क्या है कि थोड़ा सा सरकारी काम काज होता है तो थोड़ा सा ब्लर है, इसलिए मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। इसकी पीडीएफ भी हमारे ऐप पे मिल जाएगी, तो ऐप डाउनलोड करें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से ये आप पूरा डिटेल सिलेबस पढ़ सकते हैं। किताब के बारे में अगर हम सजेस्ट करें तो अभी हम कर देंगे, हालांकि फिलहाल ऐसी कोई स्पेसिफिक किताब नहीं है हीट इंजन की। जो भी सिलेबस जहाँ जहाँ से उठाया गया है, मैं हर एक बुक का कलेक्शन करके पढ़ के, मैंने भी पिछली बार पढ़ा था, पिछली बार मेरी ट्रेड हीट इंजन ही थी, इसलिए मैं आपको हीट इंजन कराने आया हूँ। उसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें, डायल टेस्ट इंडिकेटर पढ़ना है आपको, वर्नियर पढ़ना है, यूज चेकिंग द ट्रूथ ऑफ फाइल एंड राउंड सरफेस, ये सारे चैप्टर आपको कवर करने पड़ेंगे मेरे दोस्त, है ना। उसके बाद फिर आगे आएंगे, बहुत सारा भी चैप्टर है ना, देखिए आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू, यहाँ पे फिर डैश गायब हो गया है, मेजरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द ट्रेड, मेजरिंग स्टैंडर्ड्स नॉर्मली यूज्ड मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। तो कुल मिला के जैसे कि FPS आप पढ़ते हैं, MKS पढ़ते हैं, तो मापन प्रणाली, ये तो फिजिक्स का पार्ट है, ये तो आप लोगों से बनता ही होगा। उसके बाद यूज ऑफ स्टील रूल, स्टील रूल के बारे में पढ़ना है, उसका ग्रेजुएशन पढ़ना है, मीट्रिक एंड इंच दोनों में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिप्शन, ट्राई स्क्वायर के बारे में आपको पढ़ना है, डिवाइडर के बारे में पढ़ना है, जैनी कैलिपर के बारे में पढ़ना है, कैलिपर्स के बारे में पढ़ना है, कॉम्बिनेशन सेट के बारे में पढ़ना है ना, कॉम्बिनेशन सेट के बारे में जो तीन उनके पार्ट होते हैं उनके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा, स्क्राइबिंग ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, फंक्शन एंड यूज, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मार्किंग टूल्स, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाता है ये माइक्रोमीटर वाला पूरा पार्ट, तो माइक्रोमीटर का पूरा डिटेल, अलग अलग प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं, कई प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं, बट हम लोग डिप्लोमा बीटेक में इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, डिटेल में नहीं जाते हैं। वर्नियर कैलिपर का पूरा पार्ट आपको अच्छे से कवर करना है, अलग अलग प्रकार के वर्नियर कैलिपर हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आगे हम लोग बढ़े भैया, तो आगे क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर, हमने बताया ना कि अगर आप मेजरमेंट में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के मेजरमेंट, अभी वही सारा पार्ट चल रहा है ना, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो रेडियल हो, तो उसके बारे में भी चल रहा है। तो ये क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि DTI, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, साथ में वर्नियर डेप्थ गेज भी यहाँ पे दिया हुआ, ये भी आपको पढ़ना है। यूज ऑफ स्मॉल बोर गेज इन मेजरिंग स्मॉल बोर इन सिलेंडर ब्लॉक केयर एंड मेंटेनेंस, है ना, तो स्मॉल बोर गेज भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे हम लोग आए और ये सब बहुत डिटेल में, बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही छोटे छोटे चीज आपसे पूछी जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी फिर से आएंगे, सेमेस्टर टू में आ गया, क्योंकि हीट इंजन जो है बेसिकली ITI का पार्ट होता है, तो अब हम लोग आ गए हैं सेमेस्टर टू में। यहाँ पे भी आप देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड यूज ऑफ स्टील मेटल्स, स्टील का क्लासिफिकेशन अलग अलग, और स्टील से बनी धातुओं के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे माइल्ड स्टील एंड नॉन फेरस मेटल्स, मार्किंग पढ़ना है, लेआउट पढ़ना है, टूल्स पढ़ना है, डिवाइडर पढ़ना है, और ट्रैमल के बारे में भी आपको पढ़ना है डिटेल में। वेरियस टाइप ऑफ स्निप यानी कि कैंची, जब आप शीट मेटल में आप घुस गए हैं, धातु चादरण कार में घुस गए हैं, तो वहां पे अलग अलग प्रकार की कैंचियां होती हैं, स्निप होती हैं, जो चादरों को काटती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, एंड देयर यूज, केयर एंड मेंटेनेंस। फिर यहाँ पे आएंगे तो शीट मेटल वर्किंग टूल, है ना, जैसे कि बेंच वाइज हो गया, सॉफ्ट जॉ हो गया, क्लैंप हो गया, पैरेलल बेंच स्टॉक हो गया, है ना, स्टेक्स के बारे में जिस पर रख के सारी चीजें की जाती हैं, ठोका पीटा जाता है। फिर आपको होल्डर्स, वेरियस टाइप ऑफ देयर यूज, ये पढ़ना है। आगे आएंगे तो हम लोग फिल फाइल्स, वेरियस टाइप ऑफ कट ग्रेड, वही फाइल है ना, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में फिर से रिविजन करना है। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपको पढ़ना है रिवेट ज्वाइंट और उसके टाइप और उसका यूज, तो रिवेट ज्वाइंट यानी कि फास्टनर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ब्लोअर्स, देयर वर्किंग, है ना, उसके बाद फोर्ज पार्ट एंड देयर यूज, एनविल पढ़ना है, एनविल का मतलब क्या होता है, निहाई, आपने देखा होगा जो ब्लैक स्मिथ्स होते हैं, लोहे का काम करते हैं, उनके पास होता है। उसके बाद हैंड टूल, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, अभी आप इंजन वाले पार्ट में नहीं घुसे हो। फिर उसके बाद प्रिकॉशन इन गैस वेल्डिंग, तो आपको वेल्डिंग भी पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, वेल्डिंग भी पढ़ना पड़ेगा, और वेल्डिंग ऐसे वैसे नहीं, वेल्डिंग बहुत डेप्थ में आती है, ठीक है, वेल्डिंग आपको डेप्थ में आएगी। फिर आगे आएंगे आप तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग में अलग अलग प्रकार की वेल्डिंग, चाहे वो ऑटोजीनियस वेल्डिंग हो, चाहे वो होमोजीनियस वेल्डिंग हो, चाहे वो हेट्रोजीनियस वेल्डिंग हो, फ्यूजन वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग, अलग अलग क्लासिफिकेशन को हम लोग समझ लेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। आगे पहुँचेंगे तो फिर यहाँ पे सेफ्टी के बारे में फिर अगला पार्ट है, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। फिर यहाँ पे आपने वेल्डिंग पढ़ लिया, तो फिर आपको सोल्डरिंग और ब्रेजिंग पढ़ना पड़ेगा, है ना,
सोल्डरिंग और ब्रेजिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो सोल्डरिंग और ब्लेजिंग आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट भी पढ़ना है, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी आपको आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो वर्क पावर एंड एनर्जी, यानी कि छोटी सी बेसिक सी फिजिक्स है जो कि आप जानते ही हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसी डीसी मीटर्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। टाइप ऑफ ग्रेड एंड साइज ऑफ इंसुलेटेड वायर, वायर के बारे में पढ़ना है। केबल्स के बारे में पढ़ना है, बहुत डिटेल है, इतना डिटेल में आपको कहीं भी जाने की, कहीं भी डिटेल में कोई पुस्तक खरीद की पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि एक ऐसा कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, उस कोर्स में आप इनरोल हों। पर डे एक क्लास अभी से देखना शुरू कर देंगे, वहाँ तक जाते जाते आपकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे भी क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इस पर पेन भी नहीं चल रहा है क्योंकि ये पीडीएफ है ना। चलिए उसके बाद आएंगे, फिर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेड सेफ्टी। ट्रेड सेफ्टी आपको हर एक चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन एक बार करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि बार बार करना है, ये तो इनका काम ही है। उसके बाद जनरल डिस्क्रिप्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्रोल इंजन, यहाँ से हो जाता है आपका स्टार्ट इंजन। तो इंजन आपका यहाँ से है, और इंजन में भी ऐसे ऐसे डिटेल पूछे जाते हैं ना मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना आप लोग। जो हम लोग बीटेक में या डिप्लोमा में आईसी इंजन में पढ़ते हैं वो बहुत ही बेसिक होता है वो, और यहाँ पे पूरा एक साल में पढ़ना होता है, वहाँ एक सब्जेक्ट होता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंजन टाइप्स, सारी चीज़ें पेट्रोल इंजन के बारे में आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे रनिंग एंड स्टॉपिंग पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन को स्टार्ट कैसे करना है ना, वो स्टॉप कैसे होगा, और उसमें साथ साथ में इंजन एक्सिलरीज जो जो लगती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पेट्रोल इंजन की बात हो गई, फिर इंजन डिटेल्स, सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, सिलेंडर हेड पढ़ना है, सिलेंडर का लाइनर पढ़ना है ना, सिलेंडर का मटेरियल पढ़ना है, वियर का कॉज, अगर सिलेंडर चलते चलते घिस जा रहा है तो उसका घिसने का कारण क्या है, मेथड क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है, ये पूरा आपका सिलेबस आपके सामने रहा। इसका पीडीएफ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको मैं बार बार पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ब्रीफ फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील के बारे में पढ़ना है, अब यहाँ से इंजन का पार्ट है तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे, फ्लाईव्हील पढ़ना है, क्लच पढ़ना है, वाल्व एंड वाल्व ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है ना, वाल्व टाइमिंग डायग्राम, जो वाल्व टाइमिंग डायग्राम होता है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा मेरा दोस्त, है ना। तो वहाँ से भी सवाल आएंगे, हालांकि अब आपने हीट इंजन चुना है तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये पढ़ना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ, है ना, नॉकिंग के बारे में पढ़ना है, टैपेट्स के बारे में पढ़ना है, वॉल्व पढ़ना है आपको, है ना, करेक्ट टैप टैपेट्स का क्लियरेंस कितना होता है वो आपको पढ़ना है। इग्निशन सिस्टम ऑफ पेट्रोल इंजन पढ़ना है आपको। पर्पस ऑफ इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन कॉइल का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, स्पार्क प्लग का काम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। कार्बोरेटर करना पड़ेगा, पेट्रोल इंजन पढ़ रहे हैं तो कार्बोरेटर तो भैया पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आगे हम लोग बढ़ें, आगे आप लोग बढ़ेंगे तो टाइप ऑफ फ्यूल फिल्टर्स, है ना, फ्यूल के अलग अलग फिल्टर होते हैं वो पढ़ना है। क्लीनिंग एंड रिप्लेसमेंट पढ़ना है। प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग एयर लॉक फ्रॉम डीजल लाइन, ये पढ़ना है। मेंटेनेंस प्रोसीजर एंड मेंटेनिंग इंजन लॉग बुक पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आएंगे आप लोग तो टाइप ऑफ फ्यूल फिल्टर, फिर से यही चीज़ें दी हुई हैं। और फिर और हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर तो जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम, व्हील टायर ट्यूब, साइज एंड एप्लीकेशन, है ना, लीफ एंड क्वाइल स्प्रिंग, ये सारा चीज़, यानी कि अब ऑटोमोबाइल वाला पार्ट भी आपको हीट इंजन में ही पढ़ना है। हीट इंजन आपने सेलेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि सब आप सिर्फ आपको इंजन ही पढ़ना होगा, तो इस भूल में ना रहें। बहुत सारे बच्चे पिछली बार वाले इस बार भी दे रहे होंगे एग्जाम, उनको पता होगा, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, है ना। शॉक एब्जॉर्बर आपको पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, उसका फंक्शन पढ़ना है, उसका मेंटेनेंस भी पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ व्हील बेस, है ना, एंड ट्रैक पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, फ्रेम पढ़ना है, टाइप एंड फंक्शन पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको, फ्रेम भी पढ़ना पड़ेगा। लेआउट ऑफ स्टीयरिंग, यानी कि पूरा ऑटोमोबाइल वाला पार्ट आ गया है, गियर बॉक्स पढ़ना है, स्टीयरिंग का गियर बॉक्स पढ़ना है, लुब्रिकेशन का के बारे में पढ़ना है आपके स्टीयरिंग बॉक्स में, सारी चीज़ें। फिर आपको स्टीयरिंग जियोमेट्री, पूरा ऑटोमोबाइल का सेक्शन आपका चल रहा है अभी, है ना, टो पढ़ना है, टो इन पढ़ना है, टो आउट, है ना, होता है ना जो आपकी स्टीयरिंग में, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ें तो ब्रेकिंग सिस्टम भी, है ना, ब्रेकिंग, मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक ब्रेक दोनों पढ़ना है आपको।
पर्पस पढ़ना है ना, ब्रेक का है ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, केयर और मेंटेनेंस पढ़ना है, ईच पार्ट ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें क्या लिखा है, ब्रेकिंग सिस्टम का ईच पार्ट यानी कि एक एक एवरी पार्ट। इतना सारा आप डिटेल में किसी पुस्तक में पढ़ोगे तो आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 का पार्ट ए मुश्किल में फंस जाएगा। इसके लिए आप किसी भी टीचर का सहारा ले सकते हैं जहाँ भी हीट इंजन चल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे पूरा अभी जो है पर्पज ऑफ चेक वाल्व्स है ना, अभी पूरा आपका जो चल रहा है पूरा का पूरा आपका ऑटोमोबाइल वाला पार्ट चल रहा है। आगे हम लोग बढ़ें, फिर यहाँ पे आप देखेंगे जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम, व्हील एंड टायर, ट्यूब साइज, वही वही चीज़ें फिर से हैं है ना। तो डेफिनेशन ऑफ व्हील बेस एंड ट्रैक, अभी पूरा ऑटोमोबाइल चल रहा है आपका, यहाँ पे भी स्टीयरिंग के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ऑटोमोबाइल ही पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंगल प्लेट एंड मल्टी प्लेट क्लचेस, अब यहाँ पे क्लच की बात कर रहा है ना, क्लच की बात कर रहा है, बॉन्डेड पढ़ना है आपको, साथ में क्लच के वाइल रिप्लेसिंग क्लच प्लेट्स, जब क्लच प्लेट हम लोग क्यों रिप्लेस करते हैं और क्यों, पर्पज ऑफ डैम्पर्स पढ़ना है, डैम्पर्स स्प्रिंग पढ़ना है, क्लच प्लेट पढ़ना है ना, फ्री प्ले इन द ऑपरेशन ऑफ क्लच पढ़ना है, फंक्शन ऑफ द पायलट पढ़ना है, ये सारी चीज़ें यानी कि स्पिगॉट ये पढ़ना है, बियरिंग पढ़ना है, कॉज पढ़ना है, रेमेडीज पढ़ना है ना, क्लच टर्बुलेंस पढ़ना, टर्बुलेंस पढ़ना है आपको, पर्पस ऑफ द गियर बॉक्स, अब गियर बॉक्स का क्या काम है, स्लाइडिंग में गियर बॉक्स के बारे में पढ़ना है आपको, कॉमन टर्बुलेंस पढ़ना है एंड दियर रेमेडीज पढ़ना है, लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ गियर बॉक्स, गियर बॉक्स में कौन कौन से लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा मेरा दोस्त। साथ में डिस्क्रिप्शन एंड एडवांटेज ऑफ कॉन्स्टेंट मेशिंग गियर बॉक्स, सिंक्रोमेस गियर बॉक्स, ये आपको यानी कि कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स और सिंक्रोमेस गियर बॉक्स, ये आपने डिप्लोमा या बीटेक में पढ़ा ही होगा, ये भी आपको पढ़ना है। फंक्शनिंग ऑफ द गियर शिफ्ट लीवर, टाइप ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज इन गियर बॉक्स, अभी गियर बॉक्स में जो टाइप यूज होता है, गियर बॉक्स में अलग लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। टाइप ऑफ सील एंड बियरिंग यूज इन गियर बॉक्स, उसको सील करने के लिए है ना बियरिंग आपको पढ़ना है। वर्किंग ऑफ रियर एक्सल, अब आपको एक्सल के बारे में पढ़ना है। इट्स लुब्रिकेटिंग एंड रीजन फॉर ऑयल इन द व्हील ड्रम्स, डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन ऑफ द फाइनल ड्राइव, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ऑटोमोबाइल लेके चलना है। इतनी सारी चीज़ें लगभग आपको कवर करनी पड़ेंगी, तब आपका जो है भैया हीट इंजन क्या होगा, कंप्लीट होगा। इतनी सी बात आपको बताने के लिए मैं आया हूँ, तो इतनी सी बात अगर आपको समझनी है, पढ़नी है, तो इसके लिए मेरे दोस्त ऐप हमारा इंस्टॉल कर लीजिए आप। मैंने बहुत ही डिटेल में क्लासेस आपके सबकी स्टार्ट कर दी है। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, इस मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना, कोई भी समस्या हो, 7800-3660 और ये 21, इस पे आपको क्या करना है भाई, व्हाट्सएप करना है, इस पे आप व्हाट्सएप करना, आपकी सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ हमारे पास है। इसके अलावा अगर आप पुस्तक भी लेना चाहें तो पुस्तक आपको कम से कम 3 पुस्तकें लेनी पड़ेंगी, 3 बुक आपको लेनी पड़ेंगी। एक तो एनके पब्लिकेशन का आप डीजल मैकेनिक वाली बुक ले लेना, डीजल मैकेनिक वाली आप बुक परचेज कर सकते हो। उसके अलावा हीट इंजन की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है अपने पास है ना, अगर कोई पब्लिश कर भी रहा है तो वो सिर्फ मार्केटिंग है, और समझ रहे हैं आप, क्योंकि हीट इंजन की अभी इतना जल्दी से कोई बुक पब्लिश कर देना या कोई मैकेनिकल के नाम से बुक निकाल दे कि भैया मैकेनिकल की सभी ट्रेड के लिए है, तो कहाँ से क्या क्या ढूंढोगे, और उसमें सफिशियंट डाटा नहीं रहेगा। तो इसलिए जो बुक डीजल मैकेनिक की आप इनके पब्लिकेशन की ले सकते हो, इसमें सारा कुछ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारे इस कोर्स में आप इनरोल होते हैं तो सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा, ये मेरा वादा है। और बाकी जैसा कि मैं पढ़ा ही रहा हूँ मैकेनिकल की सारी ट्रेड्स, और भी आपके दोस्त हैं जो इस अलग अलग ट्रेड से हैं मैकेनिकल का, जैसे कि RAC किसी ने चुना होगा, किसी ने डीजल मैकेनिक भी चुना होगा, तो उसकी भी क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं। बाकी चैनल पे आप लोग जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली क्लास में। अब डायरेक्ट आपको क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।